नमः शिवाय। हम लोग खान पान की बदलती तस्वीर पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ के कुछ अंशों को हमने पिछले कुछ वीडियो में पढ़ा है, अब हम आगे पढ़ेंगे। लेखक कहते हैं, खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि यह जो खान पान की एक नई मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। जैसे गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। अगर उनके पास वक्त की कमी है तो वे आसानी से विविध व्यंजन बना सकती हैं, क्योंकि उनके पास अब विधियां ये उपलब्ध हैं। साथ ही साथ यह जो नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी को देश विदेश के विविध व्यंजनों के विषय में जानने का सुयोग मिला है। लेकिन यह भी उसमें एक सच्चाई है कि ये देश विदेश के जिन व्यंजनों के विषय में परिचित हुई हैं, वे उन व्यंजनों के शुद्ध रूप से परिचित नहीं हुई है। जैसे आज हम लोग सभी इटालियन, चाइनीज आदि फूड के विषय में जानते हैं और बड़े चाव से ही खाते हैं, लेकिन जिन्हें हम खाते हैं, चाइनीज फूड ही खाते हैं, ये शुद्ध रूप में नहीं है। जब हम इन चाइनीज व्यंजनों को चाइना में जाकर खाएंगे तो इनका स्वाद ही अलग होगा। लेखक आगे कहते हैं, आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उड़ती है। लेखक कहते हैं कि आज़ादी के बाद, अर्थात जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उद्योग धंधों के सिलसिले में, नौकरियों अर्थात ट्रांसफ़र के सिलसिले में भी एक नया जो विस्तार हुआ, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुँची। अर्थात एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में काम धंधे के सिलसिले में गए, तो जब वे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गए तो वे अपने साथ साथ अपने प्रदेश के खान पान की जो संस्कृति है उसे भी अपने साथ लेकर गए, जिससे वहाँ के लोग भी उस संस्कृति से परिचित हुए। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब स्कूलों में टिफिन का समय होता है, उस टिफिन के वक्त जब बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं, तो उसमें उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक अलग खुशबू उठती है। लेखक आगे कहते हैं, हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि खान पान से भी हम एक दूसरे को जानते हैं। अगर इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक नया बीज मिल सकता है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन, हम उस बोली, वाणी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। लेखक कहते हैं कि हमें किसी के खान पान के साथ साथ उसकी बोली, भाषा, भूषा, वाणी आदि को भी किसी न किसी रूप से जानना होगा, तभी जो यह राष्ट्रीय एकता का बीज है यह अंकुरित होगा। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें,
पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी यही दुर्गति हो रही है। लेखक कहते हैं कि ठीक है, यह खान पान की जो नई संस्कृति है अच्छी है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें अपने स्थानीय व्यंजनों पर भी ध्यान देना होगा, उन्हें उनकी पुरानी स्थिति पर पहुंचाना ही होगा। अब ये जो हमारे स्थानीय व्यंजन थे, अब इन्हें एथनिक अर्थात पुराने ज़माने का व्यंजन कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है, और ऐसा कहकर जो 5 सितारा होटल है वे इसका प्रचार कर रहे हैं, और 5 सितारे होटल में ये व्यंजन एथनिक के नाम से कभी कभार को मिलते हैं। लेकिन यह स्थानीय भोजन अगर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य होगा, क्योंकि हम अपने खान पान की संस्कृति को कहीं ना कहीं भुला देंगे, जो सही नहीं है। लेखक आगे कहते हैं कि अच्छी तरह से बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। कि जो पहले जिस तरह से पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ बाजारों में मिलती थी, वे भी अब धीरे धीरे बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे समोसे भी अब नहीं मिलते हैं। उत्तर भारत में जो व्यंजन उपलब्ध हैं उनकी भी यही दुर्गति हो रही है, अर्थात वे धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। लेखक आगे कहते हैं, अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। लेखक कहते हैं कि इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। उत्तर भारत में जो चीज़ें पहले सभी दुकानों में उपलब्ध हुआ करती थी, अब उन्हें खास दुकानों में ही तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथा कथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है, और पश्चिम के नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। लेखक कहते हैं कि ये आधुनिकता के चक्कर में हमने अपने स्थानीय व्यंजनों को छोड़ दिया है, और पश्चिम की नकल करने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जिसमें न स्वाद है, न जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जो हमारे लिए अनुकूल है ही नहीं। लेखक आगे कहते हैं कि हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि यह जो खान पान की जो मिश्रित संस्कृति हुई है, इसमें कई बार ऐसा हो रहा है कि जो कोई चीज़ है, जो व्यंजन है, उसका हम अलग से या असली जो स्वाद है वह नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि जो खान पान की नई संस्कृति है, यह हमें कुछ अच्छी चीज़ें चुनने का अवसर दे रही है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं कि एक ही प्लेट में कई तरह के व्यंजन या फिर बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन को परोस लेना चाहते हैं या खा लेना चाहते हैं, जिससे क्या होता है कि हम किसी व्यंजन का जो शुद्ध रूप हो, शुद्ध स्वाद होता है, उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है, और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि यह जो खान पान की मिश्रित और विविध संस्कृति बनी है, यह और भी अधिक विकसित होने वाली है, लेकिन आवश्यकता है कि इसे जांचते रहना जरूरी है। इस तरह से हमारा पाठ पूरा होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ से प्रश्न उत्तर करेंगे। नमः शिवाय।